नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। स्पेस प्राइवेट सेक्टर में आज इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रच दिया है और देश का पहला निजी क्षेत्र का मिशन प्रारंभ सफल रहा और इस मिशन को स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा तैयार किए गए विक्रम एस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया और इस मिशन के 3 डेलो जो थे वो मौजूद थे और ये सब ऑर्बिटर मिशन था और पानी यानी कि पृथ्वी को सतह से 101 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर मिशन समंदर में स्पेल्स हुआ है और पूरे मिशन का समय जो रहा है वो केवल 300 सेकंड का था। इसरो ने इस मिशन के प्रक्षेपण में स्काई रूट एयर स्पेस को 12 नवंबर से 16 नवंबर का विंडो किया था, लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तय किया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक इसरो अपने रॉकेट्स का परीक्षण करता रहा है, लेकिन ये पहली बार था जब इसरो ने किसी निजी कंपनी का मिशन अपने लॉन्चिंग पैड से प्रक्षेपित किया है और इस मिशन के साथ ही हैदराबाद में मौजूद स्काई रूट एयर स्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी स्पेस कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। राजधानी भोपाल में आज सुबह प्रदेश के बड़े व्यापारिक संस्थापक और इसके साथ ही रानी कपलापति स्टेशन बनाने वाली कंपनी बंसल ग्रुप में इनकम टैक्स ने छापेमारी की है और जिसके मालिक सुनील बंसल और अनिल बंसल हैं। ये कार्रवाई तड़के बंसल ग्रुप के 40 ठिकानों पर हुई और इनमें भोपाल के अलावा इंदौर और मंडी द्वीप शामिल है। बता दें आपको कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा अधिक गाड़ियों से इनकम टैक्स की टीम पहुंची और इनकम टैक्स अधिकारियों की सभी गाड़ियों में रिंग सेरेमनी की स्टिकर भी लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सुबह करीब 6:30 बजे से शुरू हुई। बंसल कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर को बंद कर दिया गया और वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में भी TMT सरिया की फैक्ट्री में भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि कार्रवाई के दौरान सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती है और अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और आयकर विभाग की इस छापेमारी कार्रवाई में अनोखा अंदाज सामने आ रहा है। तो आपको बताते चले कि केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के खिलाफ कूच बिहार के तूफानगंज कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कोर्ट की अवमानना करने पर ही उनके खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। जानकारी के अनुसार मंत्री जॉन बारला को एक पुराने मामले में कई बार अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे और पुलिस के मुताबिक जॉन बारला और 4 अन्य खिलाफ जो है 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की अनुमति के बिना रैली निकालने पर केस दर्ज किया गया था। जॉन बारला को 15 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए थे। मालूम हो कि एक हफ्ते के भीतर बंगाल के नाता रखने वाले 2 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ ये दूसरा गिरफ्तारी वारंट है और इससे पहले अलीपुरद्वार के ही एक अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित परमणिक के खिलाफ ये वारंट जारी किया था। पूर्व विधायक विजय पाल सजवाड़ ने नेतृत्व किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तरकाशी से भी आज पूर्व विधायक विजय पाल सजवाड़ के नेतृत्व में गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल कलश लेकर शुरू की गई। गंगोत्री धाम से मां गंगा के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत करने के बाद कस्बों से होते हुए ये यात्रा उत्तरकाशी मुख्यालय पर पहुंची और जहां से मां गंगा के इस जल कलश को राहुल गांधी के नेतृत्व में जाकर भारत जोड़ो यात्रियों के लिए लाया गया, ले जाया गया जाएगा। बता दें आपको, और इसी खबर पर उत्तरकाशी से संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित कुमार, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के लिए गंगा जल लाया जा रहा है, पूरी अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भारत जोड़ो अभियान जो कांग्रेस पार्टी के गंगोत्री विधानसभा से पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण जी है, उन्होंने गंगोत्री से जो कलश यात्रा को लेकर ये भारत जोड़ो अभियान को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से चालू कर दिया है, तो उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और गंगा जी का यहाँ से विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया और इस भारत जोड़ो अभियान के लिए उन्होंने अपना मुहिम चालू किया। तो विजयपाल सजवाण जी एक काफी तेजतर्रार कांग्रेस के प्रत्याशी नेता हैं, तो उन्होंने क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों में भी एक खुशी की लहर है कि क्योंकि विजयपाल सजवाण जी एक ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच में उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया हुआ है और माँ गंगे के आशीर्वाद से वो हमेशा ही कार्य करते रहते हैं। तो ये यात्रा को लेकर कई उनके जो पदाधिकारी हैं, कई उनके इसमें जुड़े हैं जो इस यात्रा को उन्होंने यहाँ से चालू कर दिया, जो राहुल गांधी की जो मुहिम है उनके साथ वो बिल्कुल अपना बखूबी से निभा रहे हैं, तो उन्होंने ये यात्रा गंगोत्री धाम से, विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से यात्रा को चालू कर दिया है। जी जी सुमित, इस गंगा जल जो लाने के लिए ये प्रक्रिया की गई है इसमें कितना समय लगा है और ये कहाँ पर मतलब उनको दी गई है? जी बिल्कुल, गंगा जी में गंगोत्री धाम से ये जो ये कलश यात्रा है, तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना करके ये कलश यात्रा उन्होंने उठाई और यहाँ पर तमाम मुद्दों पर इन्होंने, जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने बीजेपी सरकार को एक निशाना साधा है कि कहीं ऐसे मुद्दे हैं जो क्षेत्र में रोड की समस्या है, तमाम ऐसे। सुमित आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता शीशपाल जुड़ चुके हैं। जी शीशपाल, जैसे कि बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक जो है उनके द्वारा ये गंगा जल का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रही है, जिस प्रकार उसे भारत का जनमानस जुड़ रहा है और उसमें जो देश के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं, उसी की जो है जिन राज्यों में राहुल गांधी जी नहीं जा पा रहे हैं उन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है और उत्तराखंड के आदरणीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड की देवभूमि की चारों धामों की मिट्टी और उत्तराखंड के पवित्र नदियों का जल जो है राहुल गांधी जी को भेंट किया जाएगा। तो उसी के क्रम में जो है पार्टी ये सब आयोजन कर रही है और उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर कर रही है, प्रत्येक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्राएं आयोजित हो रही हैं 14 तारीख से 19 तारीख तक। और जिस उत्तराखंड में बेटी अंकिता भंडारी को न्याय का मामला है जिसमें अभी तक वीआईपी का नाम नहीं बताया जा रहा है, जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, बेरोजगारों की नौकरियां बेची गई हैं, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उसी के क्रम में ये सारे आयोजन हो रहे हैं। जी जी, भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिल सकता है शीशपाल जी? देखिए, मैंने कहा ना कि आज अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो जिस प्रकार से राज्य में आज जनता सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार मनमानी कर रही है, न पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई को जांच सौंपी गई, न बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई को जांच सौंपी गई, इसी प्रकार से अभी मुख्यमंत्री आवास में एक बेटी ने आत्महत्या की, सुलेखा ने, 23 साल की बेटी ने, उस मामले को भी दबा दिया गया। जिस प्रकार से यहाँ पर अग्निवीर भर्ती में आपने देखा बेरोजगार नौजवान ने आत्महत्या की, एक नौजवान को पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हो गई, वो सारे मामले आज जनता के बीच में, जनता में आक्रोश है इन सब मामलों को लेकर के, और सरकार के खिलाफ आप देख रहे हैं जिस प्रकार उनके दो पूर्व मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा था, उसी की पुष्टि उनके पूर्व मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, तो इससे आप राज्य की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता में, नौजवानों में एक आस जगी है कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता की आवाज बनकर के इन सब मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी, तो कांग्रेस पार्टी वो कर रही है और जनता का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। जी जी शीशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित कुमार, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो समर्थन है वो लोगों द्वारा समर्थन भी मिल रहा है और ये गंगा जल का जो प्रक्रिया किया गया है इससे भी लोगों को जो है सहानुभूति मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो गंगोत्री से
आपको उत्तराखंड में उसी की सरकार बनती है, तो विजयपाल सजवाण जी एक अच्छे छवनिया नेता है और सबके दिल में वो राज करते हैं, तो उन्होंने गंगोत्री से ये जो यात्रा की इसमें लोगों को काफी खुशी महसूस हुई और उन्होंने काफी अच्छा जताया है विजयपाल सजवाण जी से। कई क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी उनसे वार्ता की है, लोगों ने उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आप लोग जो कार्यकर्ता हैं जुड़ के अगर हम इस यात्रा को मुहिम को आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी तक ये यात्रा पहुंचेगी, और क्योंकि राहुल गांधी जी एक तौर पे अपना सही तरीके से यात्रा को चला रहे, तो यहाँ से गंगोत्री से जो कलश यात्रा है जो विजयपाल सजवाण जी ने यहाँ स्टार्ट की है वो काफी एक बड़ी यात्रा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री से इस बर्फबारी में उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की है और कहीं अहम पड़ाव भी आएंगे, कई मुसीबत भी आएगी, तो साथ सभी कार्यकर्ता एक उत्साह से और एक भाव बड़े तौर पे काम करने की इच्छुक जता रखी है और काफी मिलजुल कर इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग इसमें जुड़ रहे हैं और लोगों की अगर बात की जाए लोगों से तो उनका क्या कुछ कहना है? जी, जैसे ही हमने लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, छोटे गांव से भी बात की, ग्राम सभाओं से बात की, तो उनका साफ तौर पर विजयपाल सजवाण जी एक अच्छे नेता इस क्षेत्र में रहे हैं, गंगोत्री विधानसभा में उनकी अच्छी एक छवि है और इस छवि के लिए वो जाने जाते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि विजयपाल सजवाण जी का जैसे ही सुख दुख में लोग ने कहा कि सुख दुख में विजयपाल सजवाण जी, चाहे वो बड़े तबके का घर हो या छोटे परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, विजयपाल सजवाण जी वहां पर पहुंच जाते हैं और गरीबों का काफी मदद करते हैं, जैसे शादी हुआ और जैसे किसी के घर में जाना है, बेटियों की शादी में जाना है, तो एक विजयपाल सजवाण जी की ये छवि हमें काफी अच्छी दिखी है ग्राम सभाओं में और बहुत लोगों ने ये बात की है जो विजयपाल सजवाण जी जो गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक है उनका साफ तौर पर सबके साथ सहयोग रहा और काफी अभी तक वो कंधे पे कंधे मिला के अभी तक भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। केंद्रीय विद्यालय पौड़ी में छात्र संघ चुनाव में NSUI ने क्लीन स्वीप कर दिया है और आज हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में ही NSUI के प्रतिनिधियों ने अपना परचम लहराया है। आपको बताते चले कि NSUI ने सीधे मुकाबले में ABVP पर एक बार फिर से शिरकत की है और मतदान में ही अध्यक्ष पद पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अंकित नोटियाल को 306 मत प्राप्त हुए हैं और जबकि दूसरे स्थान पर रहे अमर न्याल को 179 मत प्राप्त हुए हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि सचिव पद पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उम्मीदवार मुकुल कुमार को 422 मत प्राप्त हुए जबकि ABVP के सोनिया को ही 366 मतों से संतोष करना पड़ा है। अमन कुमार को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में सबसे ज्यादा 402 मत प्राप्त हुए हैं और इस तरह एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के केंद्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव में अपना परचम लहराया। आपको बताते चले कि नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष पौड़ी अंकित नोटियाल ने कहा कि वे सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करते हैं और जिन्होंने अध्यक्ष पद पर उन्हें काबिज किया है। उन्होंने कहा कि वे सभी साथियों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में वे सभी छात्र छात्राओं के साथ मिलकर छात्र हितों की लड़ाई को लड़ेंगे। पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद बवाल हुआ है। आरोप है कि निर्दलीय महासचिव प्रत्याशी सूरज नेगी ने समर्थकों के साथ मारपीट की गई है और जिसको लेकर कई चोटिल समर्थकों और स्थानीय महिलाओं ने श्रीनगर कोतवाली में हंगामा जमकर किया है और साथ ही प्रदर्शन कर लोग कार्रवाई की लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो बताते चले आपको कि ज्योति मठ पहुंचेंगे पर महाराज श्री का भव्य स्वागत हुआ है और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नंद महाराज का स्वागत जय घोष के साथ हुआ है और मठ पहुंचने पर शंकराचार्य महाराज ने ही 64 योगिनी मंदिर सभागार में मौजूद क्षेत्र की जनता को दर्शन दिए।
नौटी में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित चाय बगान का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों के इससे मिल रहे लाभ को जानकारी ली है और नौटी क्षेत्र में चाय उत्पादन के अधिक संभावनाओं को देखते हुए जिला अधिकारी ने परियोजना निर्देशक को इच्छुक काश्तकारों की बंजर भूमि को लीज पर लेने और मनरेगा से कन्वेंस करने के चाय बागवन विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि काश्तकारों को अच्छी आय अर्जित हो सके। और जिलाधिकारी ने नोटी में आजीविका पैकेज के अंतर्गत काश्तकारों की आय दोगुनी करने के लिए मनरेगा के तहत निर्मित मत्स्य तालाब और गौशाला सुधारीकरण, न्यूट्री गार्डन और भूमि विकास पाली हाउस की भी उत्पादन कार्य और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वो आपको चमोली से खबर बता रहे हैं जहां पर किसानों को मिल रहे लाभ को लेकर निरीक्षण किया गया है। आपको बताते चलें किसानों को लाभ मिल रहा उसकी जानकारी ली गई है। चमोली से खबर बता रहे हैं आपको डीएम के कई योजनाओं का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि डीएम ने निरीक्षण किया है और इसके साथ ही किसानों से भी बातचीत की गई है और नोटी में ही उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित चाय बगान का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों को इससे मिल रहे लाभ की जानकारी ली है और नोटी क्षेत्र में चाय उत्पादन की ज्यादा संभावनाओं को देखते हुए अधिकारी ने परियोजना निर्देशक को इच्छुक काश्तकारों की बंजर भूमि को लीज पर लेने और मनरेगा से कवरेज करते हुए चाय बागान विकसित करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि काश्तकारों को अच्छी आय अर्जित हो सके। जिलाधिकारी ने नोटी में आजीविका पैकेज के अंतर्गत काश्तकारों की आय दोगुनी करने के लिए मनरेगा के तहत निर्मित मत्स्य तालाब, गौशाला सुधारीकरण, न्यूट्री गार्डन और भूमि विकास पाली हाउस की भी उत्पादन कार्य और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। नोटी गांव में हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा एक जो मनरेगा के थ्रू जो कन्वर्जेंस के काम है चाहे फिशरीज़ में है और अन्य कृषि संबंधित एक्टिविटीज़ में है तो उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा चाय बगान विकसित किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में जिनका निरीक्षण किया गया तो उनको वही देखा गया कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों में और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है और कैसे ये एक आजीविका का स्रोत लोगों के लिए बन सकता है उसी पर चर्चा की। स्थानीय हैं उनसे भी राय मशवरा किया गया। धामी कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने पर धर्म गुरुओं ने अपनी राय दी है और धामी सरकार के धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने और 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने के फैसले पर साधु संत फैसले की सराहना कर रहे हैं और साधु संतों का कहना है कि धर्मांतरण बड़ी समस्या है और इस अपराध को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे सामूहिक धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोक लगेगी और मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। साधु संतों ने कहा कि जल्द से जल्द इसका कानून प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए और क्या कुछ कहा गया है सुनिए इस रिपोर्ट में। और जहां तक कानून का ताल्लुक है तो मजहब इस्लाम में तो पहले से कायदा और जाबता है कि दीन में जबरदस्ती नहीं की जा सकती और जबरदस्ती किसी को मुसलमान भी नहीं बनाया जा सकता और अगर कोई किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है कि वो बहुत बड़ा पापी और गुनहगार। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है ये स्वागत योग्य कदम है। जबरन धर्मांतर भारत में पिछले 70 साल से हो रहा है और शासन को इस पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है देवभूमि उत्तराखंड में। अगर कोई भी प्रकार बलात्पूर्वक किसी व्यक्ति का धर्म में परिवर्तन किया जाता है तो दंडनीय अपराध होना चाहिए और ये 5 से 10 साल की सजा का जो प्रावधान किया है आगे विधानसभा में इसका प्रस्ताव सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड की सरकार के लिए और हमारे सीएम माननीय धामी जी के उस कानून के प्रति जो उन्होंने पास किया है। वैसे तो जो कानून पास किया गया है वो हम सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छा है।
रुड़के की एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक और अन्य 2 शादियां करने का आरोप लगाते हुए रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, जिस पर कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष अपना दर्द बयां कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अयास किस्म का आदमी है और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। और आरोप ये भी है कि पिछले दिनों आरोपी पति ने अपनी पत्नी पहली पत्नी को ही 3 बार तलाक बोलकर उसको छोड़कर चला गया और साथ ही कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। और पीड़ित विवाहिता जब पुलिस के पास गई तो उसे वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। अब विवाहिता ने मीडिया से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। मेरे साथ ही हुआ, मुझे जो नहीं 31 तारीख को तलाक देकर गया जी, तलाक देकर गया, गया मैंने दूसरी शादी कर ली, मुझे तेरे साथ रहना नहीं है। उसे सजा इस चीज़ की ज़रूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे। मैंने उससे जो ना एप्लीकेशन दिलवाई थी, थाने में भी गई थी, थाने में कुछ नहीं करा किसी ने। रुड़की से संवाददाता शहजाद राजपूत इस खबर पर हमारे साथ बन चुके हैं। शहजाद, जिस तरह से मामला सामने आया है कि 3 बार तलाक बोलने के बाद मामला गंभीर हुआ और महिला ने न्याय की गुहार भी लगाई पुलिस के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है रुड़की सी लाइन क्षेत्र कोतवाली का है। वही पीड़िता का आरोप है, पीड़िता का जो पति है उसको 3 तलाक, वो तलाक तलाक कहकर 3 बार उसको छोड़कर चला गया। और पीड़िता जो है उसका जो उनके 8 साल का वैवाहिक जीवन है, 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी, उनको 4.5 साल का एक लड़का भी। वही पीड़िता का आरोप है कि उसने सिविल लाइन कोतवाली में भी तहरीर देकर गुहार लगाई, लेकिन उसको वहां से भी कोई इंसाफ ना मिलने के बाद फिर उसने मीडिया के समक्ष अपनी प्रेस जो उनकी समस्या है उनको रखना और एक प्रेस वार्ता कर निजी होटल में प्रेस वार्ता कर अपनी साथ की गुहार लगाई मीडिया के सामने। और साफ तौर पर उनका कहना है अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आगे भी कहीं और अपनी गुहार लगाऊंगी। और पीड़िता काफी परेशान भी है। पीड़िता का आरोप है जो उसका पति है पहले से उसके जो 8 साल से उसकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी 2 शादी करके उनको छोड़ चुका है, वो अब तीसरी किसी और के साथ शादी की है। उसका पीड़िता का आरोप है जो उसका पति है भोली भाली लड़के को फंसाता है, वो यही कारोबार करता है, उनको शादी करता है और छोड़ देता है। और कहीं ना कहीं समाज में भी इसका बड़ा मैसेज जा रहा है। जिस तरह देखा जाए तो 3 तलाक का मामला बहुत पहले भी ये मुद्दा एक उठा था। और वहीं उनके अधिवक्ता का भी कहना है कि इस तरह की एफआईआर जो की जाती है उससे पुलिस गंभीरता से नहीं लिया जाता, अगर उसको गंभीरता से लिया जाए तो ये मामले सामने नहीं आते। फिर इनको मामलों को अधिवक्ता का फिर ये भी कहना है कि इन मामलों को बाद में मर्डर और अन्य रूप दिए जाते हैं। जी शहजाद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, क्या महिला की कोई औलाद भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महिला का जो आरोप है उसके साथ 4.5 साल का जो लड़का है उसका महिला ने बताया कि लड़का उसके पति का ही है जो उसको छोड़कर अब चला गया और किसी और के साथ उसने शादी कर ली है। और पहले भी वो दो किसी और से शादी कर चुका है, उनको भी उसने इस तरह छोड़ दिया गया। लेकिन महिला का आरोप है कि वो अब कहाँ जाए और किसके पास जाए, और काफी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8.5 साल लगभग उसके साथ वो रहकर उसको धोखा देकर अब 3 तलाक भी देकर उसको छोड़कर चला गया है। जी शहजाद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि पहले भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, और पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना भी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महिला का पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगाई, लेकिन उसको वहां से भी कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उसने मीडिया का सहारा लेकर मीडिया के समक्ष की बात रखी। अब देखने वाली बात ये होगी खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन किस तरह का एक्शन इस पर लेता है। जी शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 3 तलाक और अन्य 2 शादियां करने का आरोप लगा हुआ है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है रुड़की से, जहां पर पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष अपना दर्द भी बयां कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अय्याश किस्म का आदमी है और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद किया करता है। आरोप बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आरोपी पति ने अपनी पहली पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उसको छोड़कर चला गया और साथ ही कार्रवाई करने पर
जान से मारने की धमकी भी दी गई है और पीड़ित विवाहिता जब पुलिस के पास गई तो उसे वहां से भी इंसाफ नहीं मिला है। अब विवाहिता इतनी मजबूर हो चुकी है कि मीडिया से इंसाफ की लगातार गुहार लगा रही है और लगातार कह रही है कि उसे अपने बच्चे और खुद के लिए इंसाफ चाहिए और इसके साथ ही आरोपी की तलाश लगातार करनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़।